बैटरी रोटेशन क्या है, बैटरी रोटेशन को कैसे और क्यों करना चाहिए, और बैटरी रोटेशन को कितने समय के अंतराल पर करना जरूरी होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो तरीके के आते हैं। पहला आता है लिथियम आयन वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे आते हैं ड्राई बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्राई बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि लिथियम आयन वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी लाइफ और वारंटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो करते हैं ड्राई बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट से लेते हैं तो कंपनी क्लेम करते हैं कि इनकी बैटरी की जो लाइफ है वो होती है 1 या 1.5 साल तक, और उसके बाद ये बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। हालांकि सच्चाई ये है कि इनकी बैटरी को आप एक लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं, लगभग 2.5 या 3 साल तक भी। सिर्फ इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी होती है, और ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं बैटरी रोटेशन। देखिए, बैटरी रोटेशन क्या होती है, बैटरी के क्रम को आपस में चेंज कर देना ही बैटरी रोटेशन होता है। बैटरी रोटेशन को किस तरह से किया जाता है और बैटरी रोटेशन की ज़रूरत हमें क्या पड़ती है। देखिए, जब भी मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि 2 या 3 महीने, माफ़ कीजिएगा, एक लंबा वक्त ले लेते हैं, 4 या 5 महीने के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें एक छोटी प्रॉब्लम आने लगती है, और वो प्रॉब्लम होती है पावर ड्रॉप की। यानी अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुल स्पीड पर चलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फुल स्पीड पर चलने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो घटती बढ़ती रहती है। ऐसे प्रॉब्लम जो आती है वो बैटरी की वजह से ही आती है। यहाँ पर जो पावर ड्रॉप की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, होता क्या है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें 4 बैटरी लगी हुई हैं, तो इन 4 बैटरी को जब सीरीज में जो जोड़ा गया है, तो जब आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सीलेटर को जब एक्सीलरेट करते हैं तो बैटरी नंबर 1 और बैटरी नंबर 4 से जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कुछ समय के बाद क्या होता है कि बैटरी 1 और 4 जो होती है वो वीक हो जाती है देन नंबर 2 और नंबर 3 के मुकाबले, तो इनको बैलेंस करने के लिए ही बैटरी रोटेशन किया जाता है। अब चलिए मैं आपको इसको एक पेपर वर्क पर समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे क्या होगा आपको और अच्छी तरह से और आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप आसानी से बैटरी को रोटेट कर पाएंगे। मैं आपको ये जो रोटेशन है इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए जो है शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने 4 बैटरी बनाई हुई हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4, और ये 4 बैटरी जो है वो 12 वोल्ट 24 AH की है। तो होता क्या है, आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये बैटरी कुछ इस क्रम में जुड़ी होती है, यानी सीरीज में जुड़ी होती है। जैसे इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से, नंबर 2 वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नंबर 3 वाली बैटरी के पॉजिटिव से, और नंबर 4 वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नंबर 5 वाली के पॉजिटिव से। नंबर 1 बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जुड़ा हुआ होता है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लस टर्मिनल से, यानी MCB से, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये जुड़ा होता है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नेगेटिव पॉइंट से। तो जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सीलरेट करते हैं, यानी जब आप उसको चलाते हैं, तो पिकअप के दौरान नंबर 1 बैटरी से और नंबर 4 बैटरी से आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जब ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो लगभग 2 या 3 महीने के बाद होता क्या है कि नंबर 1 बैटरी और नंबर 4 बैटरी जो है वो हल्की वीक हो जाती है नंबर 2 और नंबर 3 बैटरी के मुकाबले। तो रोटेशन में क्या करते हैं, हम इन बैटरी के जो क्रम है उनको आपस में पलट देते हैं, यानी 3 को 1 की जगह कर दें, या 2 को 4 की जगह कर दें, या 3 को 2 की जगह कर दें, 2 को 4 की जगह कर दें, 4 को 1 की जगह कर दें। तो इस तरह की जो है रोटेशन है वही बैटरी रोटेशन होती है। इससे क्या होता है कि जो बैटरी हमारी वीक हो जाती है उनकी जो पावर है वो आपस में बैलेंस हो जाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वो आसानी से वर्क करता है। चलिए अब मैं आपको बैटरी को आपस में रोटेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 बैटरी रखी हुई हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ये जो बैटरी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ इसी क्रम में रखी हुई थी, और इनके ऊपर मैंने स्टिकर इसलिए लगाया हुआ ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो कि कौन सी बैटरी किस क्रम में रखी हुई थी। अगर हम बैटरी की बात करें तो ये जो बैटरी है ये है एमटेक ब्रांड की, जिसका पावर है 12 वोल्ट 24 AH। जब हम इन बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो इनका जो पावर है वो सेम रहती है, लेकिन जो वोल्ट है वो हो जाती है इसकी 48 वोल्ट। रोटेशन में आपको क्या करना है, नंबर 1 की जो बैटरी है इसको हमें ले जाना है नंबर 3 की जगह पर,
या फिर हम इसको नंबर चार की जगह पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। और जो नंबर चार की बैटरी है उसको हमें लाना है नंबर दो की जगह पर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर रोटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। अब इन बैटरी को इसी क्रम में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेट कर देना है। कनेक्शन की अगर हम बात करें तो कनेक्शन मैंने आपको जैसे भी पेपर बताया कि इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। और जो बैटरी की जो आउटपुट है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें देना है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब अगली बार जब हम रोटेशन करेंगे तो इनके क्रम को हम फिर से चेंज कर देंगे। और क्रम में क्या करेंगे, आपकी हम नंबर तीन को नंबर चार की जगह कर देंगे और नंबर दो को हम ले आएंगे नंबर चार की जगह पर। तो ठीक इसी तरह से हमें जो है बैटरी का रोटेशन करना है। अब सवाल आता है कि रोटेशन हमें कब करना चाहिए। देखिए इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 3000 किलोमीटर जो है पूरे कर लेते हैं तब आप अपनी बैटरी को रोटेट कर दीजिए। अगर आप 3000 महीने के अंदर 3000 किलोमीटर पूरे नहीं कर पाते हैं तब आप हर तीसरे चौथे महीने भी अपनी बैटरी को रोटेट करते रहना चाहिए। एक चीज़ और, इन बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बाहर निकालना और दोबारा से उसमें सेट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो जो है बता दूंगा और आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं और किस तरह से आप दोबारा से इसको सेट कर सकते हैं। रोटेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ यहीं तक ही था। अगली बार जब आप रोटेशन करेंगे हर तीसरे चौथे महीने के बाद तब इनके क्रम को फिर से हमें जो है वो किसी और बैटरी के साथ एक्सचेंज कर देना है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि कंपनी का जो दावा है वो ये है कि 1 या 1.5 साल के बाद ये बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में आप इनको इन बैटरी को चेंज करना होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इन बैटरी का एक छोटा सा तरीका है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बैटरी 2.5 से 3 साल आसानी से चल जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या है वो तरीका, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।